धनबाद में सांप्रदायिकता के खिलाफ देश की आजादी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए भाजपा संचालन वाली केंद्र की मोदी सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 15 से 28 फरवरी तक चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान के तहत लोकल कमेटी धनबाद के तत्वाधान में विशाल रैली निकाली गई। रैली जिला परिषद से शुरू हुई, क्षेत्र का भ्रमण करते हुए रैली रणधीर वर्मा चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों से आम जन परेशान है। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, मूल्य में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। कृषि क्षेत्र में किसान विरोधी 3 काला कानून सरकार लेकर के आई है। सीपीआई इसे वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून दर्जा देने, मजदूरों को गुलाम बनाने वाली श्रम कानून वापस ले, वस्तु अधिनियम कानून में जमाखोरों को कानूनी छूट देने पर रोक लगाने, रोज रोज पेट्रोल डीजल व गैस में मूल्य वृद्धि कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारत भूषण ने भी भाग लिया। हम लोग का मूल बात है कि केंद्र सरकार द्वारा जो राष्ट्र विरोधी किसान विरोधी कृषि कानून बनाया गया उसको रद्द करने का है, और MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो स्वामीनाथन आयोग ने जिसका सिफारिश की थी उसको लागू करना है। धनबाद से शौकत खान की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।